तो दिमाग में नहीं आएगा आज के बाद में कभी अब नहीं डरेंगे मौत से अब नहीं डरेंगे बहुत बार मर लिए बहुत बार डर लिए बहुत बार रो लिए बहुत बार तड़प लिए अब नहीं रोएंगे अब नहीं तड़पेंगे अब, नहीं होंगे, अब खेत खिन्न नहीं होंगे अब हम अमर भय ना मरेंगे बस अब तो एक ही चिंतन है जीवन भर के लिए ले लो प्रतिज्ञा कैसी भी परिस्थिति क्यों नहीं हो जाए लेकिन मौत से डरेंगे नहीं अरे अभी ये तत्व ज्ञान मिल गया है अब ये भेद विज्ञान की चर्चाएं मिल गई है अब ये त्रिकाली ध्रुव आत्मा की बातें मिल गई है हमारे को अब ज्ञान स्वभाविक चैतन्य तत्व की चर्चा हमारे को मिल गई है अब हमने अपने आप को आत्मा स्वीकार कर लिया है अब हमने अपने आप को चैतन्य स्वीकार कर लिया है अब नहीं डरते अब नहीं डरते भाई साहब आने दो कोई बात नहीं कोरोना आने दो कि कोरोना का बाप आने दो कोई दिक्कत नहीं है अब महामारी आने दो कोई दिक्कत नहीं है कैंसर हो जाए चाहे किडनी फेल हो जाए हार्ट अटैक आ जाए कोई बात नहीं डॉक्टर जवाब दे दे कोई बात नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैंने ये बात समझ ली है अब नहीं मरेंगे क्या अब नहीं मरेंगे मरे अनंत बार अनंत बार मरे हैं बिना समझे अब नहीं मरेंगे अब तो मरना बंद हो, अब तो मौत मौत पर विजय प्राप्त कर ली है हमने अविनाशी का मतलब क्या होता है अजर अमर का मतलब क्या होता है अमूर्तिक का मतलब क्या होता है शब्दों के अर्थ क्या हैं ये तो देखें जरा मैं अमूर्तिक हूं सामने वाला गोली मार रहा है मैं अमूर्तिक हूं सामने वाला चक्कू मार रहा है मैं अमूर्तिक हूं सामने वाला लकड़ियों से मार रहा है मैं अमूर्तिक हूं सामने वाला जो कुछ कर रहा है लेकिन मैं अमूर्तिक हूं सामने वाला मारने की कोशिश कर करके परेशान है मार नहीं पा रहा है क्योंकि मैं अमूर्तिक हूं ऐसा चिंतन करते हैं आलोक जी भाई साहब आत्मा का चिंतन चलता है ऐसा अविनाशी आत्मा का चिंतन चलता है अमूर्तिक आत्मा का चिंतन चलता है अविनाशी आत्मा का चिंतन चलता है बोलो ऐसे अविनाशी आत्मा का और ये चिंतन निरंतर चलता है इस इस चिंतन में ब्रेक नहीं पड़ता ये चिंतन व्यवधान डालने वाला नहीं होता ये चिंतन परेशान करने वाला नहीं होता ये चिंतन आनंददायक है ये शांति उत्पन्न करने वाला चिंतन है ऐसा चिंतन चाहिए क्या पाटनी जी साहब मैंने क्या करें अपन उपयोग की स्थिरता के लिए बोले यह चिंतन करो बस चिंतन की कमी है और कुछ नहीं है सारा खेल चिंतन का है 38 नंबर पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशक अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी स्वयं प्रभु चैतन्य आप है उसका विचार कर उसका विचार नहीं है सिर्फ एक ही विचार करना है चिंतन की धारा बदलनी है युगल जी बाबू जी का एक वाक्य याद आता है जैन दर्शन किसका नाम है क्या जो जीव के चिंतन की धारा को आमूलचूल परिवर्तित कर दे उसका नाम जैन धर्म है जैन कौन जैन धर्म किसका नाम जैन धर्म किसे कहें? जो चिंतन की धारा को बदल दे जो सोचने का नजरिया बदल दे जो दृष्टिकोण बदल दे निगाह बदल दे बोलो